हेलो एवरीवन, इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि शूचिन के डैड अपनी बेटी की फैमिली बनकर उसके इन-लॉज से मिलने के लिए आए थे और फाइनली ये दोनों फैमिलीज की एक ऑफिशियल मीटिंग डिक्लेयर कर दी जाती है। यहाँ पर डैड शूचिन को और सॉन्ग को एक बेस्ट लाइफ के लिए टोस्ट करते हैं और उनको बहुत सारी विशेज भी देते हैं। यहाँ पर मियाओ उनसे बहुत स्वीट स्वीट बातें करती है और हमेशा की तरह सारों का दिल लगाए रखती है। डैड को थोड़ी फिक्र थी कि थोड़े अरसे बाद ये स्ट्रीट गिरा दी जाएगी, तब मेरी बेटी कहाँ रहेगी। तो यहाँ पर उनको तसल्ली करा देते हैं कि इन्होंने घर के लिए अरेंज कर लिया है। अब वहाँ से बाहर जाते हुए डैड शू को कहते हैं कि सिर्फ सॉन्ग मुझे ड्रॉप करने के लिए जाएगा, एक्चुअली वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। यहाँ पर सॉन्ग डैड से कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मुझे पता है वो आपकी बेटी है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं और मैं पास्ट की सारी बातें भुला चुका हूँ। जो कुछ हमारी फैमिलीज के बीच पास्ट में हुआ उसका शू के फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्चुअली डैड भी बहुत शर्मिंदा थे, उनकी वाइफ ने जितना जुल्म सॉन्ग के साथ किया था आज उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और समझ आ रही थी कि वो कितने छोटे और सॉन्ग कितना बड़ा। अब इसके बाद सॉन्ग शू को एक जगह पर लेकर जाता है उसके लिए एक घर विजिट कराने के लिए। कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो हम लैंड लेडी को कॉल कर लेंगे। अब शू अंदर जाकर वो घर देखती है। उसका हमेशा से यही सपना था कि उसका घर एक क्यूट सा, छोटा सा और कूजी सा हो। उसे बहुत बड़े बड़े लग्जरी घर अच्छे नहीं लगते थे। उसको ये घर काफ़ी पसंद आ जाता है और जब वो छत पर जाकर देखती है तो वहाँ से ट्रेन स्टेशन का भी व्यू था जो कि बहुत सुंदर था। वो फौरन से इस घर को यस कह देती है। अब सॉन्ग फोन निकालता है कि मैं लैंड लेडी को कॉल करता हूँ और कॉल सीधी मिला दी थी उसने शू को। इसका मतलब है कि उसने खुद शू के लिए ये घर सेट किया था और वही इस घर की मालकिन है। अब यहाँ पर सॉन्ग उसके सामने नील डाउन होता है और एक रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करता है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरा पास्ट थी, तुम्हें मेरा प्रेजेंट हो और मैं तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। और उससे पूछता है कि विल यू मैरी मी। ऑफ कोर्स शूचिन यस कर देती है और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ पर उसने वॉल पर वही वर्ड्स लिखवाए हुए थे जो कि हाई स्कूल टाइम्स में एक दफ़ा सॉन्ग ने गलत इंग्लिश लिखी थी। अब ये उनकी स्वीट मेमोरी बन चुकी थी। अब नेक्स्ट डे जब शू हॉस्पिटल में जाती है तो उसकी कोलीग ने उसके पास रिंग देख ली थी। वो सारी उसे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती हैं और फिर उसी नर्स के थ्रू यांगची को भी फायर स्टेशन में पता चल जाता है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन वहाँ से यहाँ फ्लो उसी नर्स और यांगची के थ्रू होती थी। वहाँ पर सारे लोग सॉन्ग को बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं कि फाइनली अब हमारा चीफ भी शादी करने वाला है। अब उसके बाद एक दिन सॉन्ग शू को अपने फायर रेस्क्यू स्टेशन पर बुलाता है। वो अंदर आने के लिए थोड़ी सी हेजिटेंट थी, अब यहाँ काम तो नहीं करती थी। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम एक्सेप्शनल हो क्योंकि तुम अब मेरी फैमिली बन चुकी हो। और वो नोटिस करता है कि अब वही लिपस्टिक सप्लाई करती है जो कि सॉन्ग ने उसके लिए खरीदी थी। अब अंदर जाते ही लाइट्स ऑफ थी और फायर फाइटर्स ने अपनी लाइट्स ऑन करी हुई थी। वो उनको एक रोमांटिक सा वेलकम वो वहाँ पर सारे छेड़ते हैं कि हमें तो पहले दिन से शक था कि ज़रूर कुछ ना कुछ सॉन्ग और शू के बीच है। और वहाँ पर उनको ये भी पता चल जाता है फाइनली कि ये दोनों हाई स्कूल मेट्स भी थे। यहाँ पर सॉन्ग सबके सामने एडमिट करता है कि हाँ, मुझे इससे तभी प्यार हो गया था जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था, लव एट फर्स्ट साइट। जबकि उधर हमें आंटी को दिखाते हैं, वो बेचारी बहुत मेहनत कर रही थी। ऑफकोर्स शू और सॉन्ग का सारा सामान उन्होंने शिफ्ट कराना था। वो समझती है मियाओ फारिग बैठी है, लेकिन मियाओ भी बहुत मेहनत कर रही थी। एक्चुअली उसकी ड्यूटी थी कि उसने वेन्यू और वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करना है, सारी प्लानिंग उसी ने करनी थी क्योंकि उसके भाई के पास भी टाइम नहीं था और ना ही भाभी के पास। अब मियाओ जाती है और अपनी भाभी के लिए ब्राइडल ड्रेस चूज करने लगती है। एक्चुअली वो बहुत सारे ड्रेसेस में से फिल्टर करके कुछ चूज करना चाहती थी ताकि भाभी का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। यहाँ पर वो अपने दिल की सारी विशेज पूरी करती हैं, बहुत से ड्रेसेस ट्राई करके देखती हैं और फिर जो उसे पसंद आ गए थे उसकी फ़ोटोज़ उसने बनवा ली थी शूचिन के लिए। उधर हमें चैन को दिखाते हैं, अब उसके कमरे में कोई भी बटरफ्लाई नहीं बची थी, वो सारी उड़ चुकी थी और शायद खुद चैन भी। अब इसके बाद वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी वेडिंग के लिए और उसको बहुत सी बेस्ट विशेज भी देता है, साथ में उसकी रिंग की तारीफ भी करता है। उसे बताता है कि डैड की कंपनी जिसमें वो कभी भी नहीं जाया करता था अब वो फाइनली वहीं जा रहा है, अब वही उसको हैंड ओवर करेगा। उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, चाहे जो भी उसे पूरी करनी थी। अब जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से रास्ते में चैन को मैसेज आता है शूचिन का, जो उससे कहती है कि बचपन में जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तब से तुम मेरे लिए गुड लक लेकर आए हो और आज भी मैं अपने एल्डर ब्रदर को उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं बचपन में करती थी। चैन के लिए ये वर्ड्स बहुत स्पेशल थे, वो भी अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता था।
उधर शूचिन को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो म्याओ को कहती है, जो ड्रेस तुम सेलेक्ट करोगी मैं अपनी शादी पर सिर्फ वही पहनूंगी। इसके बाद म्याओ ने उसके लिए एक प्यारा सा क्राउन भी सिलेक्ट किया हुआ था। वो उसे पहना कर चेक कर रही थी कि ऊपर से सॉन्ग आ जाता है। म्याओ थोड़ी मैच्योर हो गई थी। अब भाई और भाभी को अकेले समय देने के लिए वो वहां से बाहर चली जाती है और सॉन्ग शूचिन की बहुत सारी तारीफ करता है और इसके साथ साथ अपनी वेडिंग की बहुत सारी प्लानिंग्स भी करते हैं। यहाँ पर एक बात सॉन्ग ने नोटिस करी थी और वो ये थी कि शू बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की है। जब इतना रश होगा, वेडिंग पर इतने सारे लोग होंगे उसके सामने, और उनके सामने उसे सारा दिन स्माइल करना पड़ेगा, वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। लेकिन सॉन्ग कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेल, अब फाइनली उनके फोटोशूट का दिन आ चुका था। म्याओ देखती है कितनी देर हो गई है, भाई भाभी आए नहीं। कैमरामैन वहां से जाने की बातें कर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके उसे रोकती है कि अगर एक दिन ये मिस हो गया ना तो भाई भाभी ने कभी शूट नहीं कराना। मेरी भाभी डॉक्टर है, भाई फायर फाइटर, उनको मुश्किल से टाइम मिलता है। और इतने में फाइनली हमारा कपल अपीयर हो जाता है। वो दोनों एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे थे, इतने सुंदर कि उनको देख कर एक दफा तो म्याओ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और वही कपल जिसको हमेशा से इम्पॉसिबल बोला जाता था और जिनके लिए पूरी की पूरी मैंग फैमिली ने पावर लगा दी थी कि इनको अलग कर दे, आज वो फाइनली एक हो चुके थे। अब यहाँ पर फोटोशूट कराते हुए शूचिन सॉन्ग से कहती है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ। कौन सा रिग्रेट? वो बोलती है कि 10 साल मैंने जाया कर दिए, मुझे बहुत पहले ही तुमसे पैचअप कर लेना चाहिए था और कभी भी तुम्हें छोड़ के एक लम्हे के लिए नहीं जाना चाहिए था। वेल, फोटोशूट तो हो गया था, लेकिन उसके बाद शहर में एक इमरजेंसी आ जाती है। वहाँ पर टाइफून डिक्लेयर हुआ था जिसकी वजह से शूचिन भी बहुत बिजी हो जाती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी, इधर से फायर रेस्क्यू वाले भी इमरजेंसी पर कॉल्ड थे। अब चैन एक दिन अपने रास्ते पर जा रहा था कि सड़क पर खड़े हुए वो एक कपल को देखता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाता और उनको लिफ्ट दे देता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। यहाँ पर एक जगह रास्ते में रेनकोट में एक गर्ल खड़ी हुई थी जो कि उनको बताती है कि इस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से गुजरें क्योंकि मैन होल का ढक्कन खुला हुआ है और उनकी गाड़ी वहाँ स्टक हो सकती है। वो कोई और नहीं बल्कि यजी थी। वो चैन को देखती रह जाती है और चैन उसे। उसके बाद उसे जल्दी थी, वो निकल जाता है लेकिन मुड़ मुड़ कर उसे देखता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।